अभी हम लोग ऑप्टिकल माउस के बारे में, उसके वर्किंग और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल माउस में आपको खोलने के लिए, आप इसको पीछे अगर उसे टर्न करेंगे, आप यहाँ पे एक स्क्रू देख सकते हैं। मोस्टली ऑप्टिकल माउस में ये स्क्रू जो है लेबल के नीचे छुपा हुआ रहता है। आपको ये लेबल निकालने के बाद ये स्क्रू आपको विजिबल हो जाएगा। अभी आप इस स्क्रू को खोल लें। उसके बाद आप इसे, इसका जो कवर है, टॉप कवर है, उसको डिटैच करें। उसके लिए यहाँ पे इसके लॉक होते हैं। आपको इसको पीछे की तरफ थोड़ा खींच के, ऐसा पीछे की तरफ लेके आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से इसका टॉप कवर बाहर आ जाएगा। इसके अंदर में पूरी माउस का जो मैकेनिज्म है आपको दिखेगा। ऑप्टिकल माउस में पहले जो है यहाँ पे एक LED सोर्स होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर का प्लास्टिक कवर के अंदर में ये उसका LED होता है, जो लाइट सोर्स, यहीं से लाइट्स जनरेट होता है। और ये लाइट एक रिफ्लेक्टर के थ्रू, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, इसी के थ्रू यहाँ पे आके सरफेस पे ये लाइट गिरती है। और ये सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्टर के थ्रू वापस ये IC पे जाती है। ये IC में CMOS सेंसर एज वेल एज DSP कहते हैं। यहाँ से जो लाइट सोर्स जो जनरेट होती है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे हम लोग माउस को मूव करते हैं तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है और ये जो मूवमेंट है, ये CMOS सेंसर जो है उसे सेंस करता है और ये मूवमेंट को DSP को भेजता है। DSP जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये क्या करता है, ये जो मूवमेंट्स को प्रोसेस करके ये केबल के थ्रू आपको कंप्यूटर को भेजता है। तो ये आपका टोटल जो मूवमेंट है, माउस का मूवमेंट, सिर्फ ये दो चीज, ये LED सोर्स और ये DSP और CMOS सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे जो है, और जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीन स्विचेस हैं। इन तीनों को यहाँ पे लिखा है Switch 1, Switch 2 and Switch 3। सो दिस इज Switch number 3। ये तीनों मैकेनिकल स्विचेस होते हैं। यहाँ पे ये वाइट कलर के जो उसके बटन्स होते हैं, हम लोग लेफ्ट राइट बटन कहते हैं। और ये स्क्रॉल मूवमेंट के बाद हम लोग कहीं पे स्टॉप करना होता है तो ये Switch number 3 का इस्तेमाल करते हैं। ये लेफ्ट राइट बटन में मोस्टली हम लोग लेफ्ट बटन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, क्योंकि हम सारे जो माउस में काम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट बटन से करते हैं। तो ये बहुत समय यूज़ करने के बाद ये कभी कभी प्रेस करने से भी ये सेंस नहीं करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हेड सॉल्यूशन होता है, हेड सॉल्यूशन को आप इसमें एक दो ड्रॉप उसमें डालें, ये डालने के बाद आप इसमें एक माइनस स्क्रू ड्राइवर पे आप इसको प्रेस करते रहें ताकि ये जो लिक्विड है वो अंदर तक जाके उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करे। उसके बाद आप इसको माउस को असेंबल करके चेक कर ले, ये स्विच प्रॉपरली काम करने लगेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी असेंबली को रिमूव करें। इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप रोटेट करेंगे तो ये PCB है। यहाँ पे तीन कनेक्शन है और यहाँ पे ये इसके तीन कनेक्शन है, जो कि ये Switch number 3 के ये तीन कनेक्शन है। ये Switch number 3 जो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, आप यहाँ से इन तीनों पॉइंट को डिसोल्डर करें और ये स्विच को यहाँ पे रिप्लेस करें और ये Switch 1 को यहाँ पे बिठा दें। सो आपका क्या हो सकता है, इसी के थ्रू आपको यही स्विच को यूज़ करके आप
ये माउस को तैयार कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो है एलईडी और ये उसका सेंसर है, ये स्क्रॉल जब भी आप यूज करते हैं, आप ये स्क्रॉल आप देख सकते हैं, ये स्क्रॉल का ये है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें। तो जब भी ये जैसे ही आप इसे माउस को पीसी में कनेक्ट करेंगे तो ये एलईडी से लाइट सोर्स लाइट चालू शुरू होती है और ये होल्स में जब भी पास करेगा और कभी ब्लॉक हो जाएगा, इसी मोशन को ये सेंसर डिटेक्ट करता है और उसी को प्रोसेस करके फिर आपका स्क्रॉल काम करता है। इस तरह से माउस के पूरे मैकेनिज्म इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आप ऑप्टिकल माउस के बारे में इसका वर्किंग और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं।